यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। दलित सांसदों की नाराजगी शायद अब उन्हें ले डूबने वाली है। तीन दलित सांसदों ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ऐसे में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आग में घी डालने का काम कर रहे हैं उन दलित सांसदों का साथ देकर। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाकर अब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्लू शॉल में कुछ एंटीक तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों में उनके साथ नजर आ रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर तस्वीर में एक बड़ा संदेश छिपा होता है और आज संसद भवन स्थित कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात भी एक बड़ा इशारा कर रही है। क्या यूपी में कुछ बड़ा उलटफेर मुमकिन होने वाला है? केशव प्रसाद मौर्य को अचानक दिल्ली बुलाकर उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होना आखिर क्या संकेत दे रहा है? जी हाँ, यूपी की चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव हो गए हैं। हालिया दिनों में दिए गए बयान, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा तवज्जो मिलना या फिर मुलाकात करना सब दिलचस्प लग रहा है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से आने वाले भाजपा के दलित सांसदों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से योगी की आलोचना की है। दलित सांसदों को योगी की रणनीति और काम करने के तरीके पर संदेह है। बताया ये जा रहा है कि दलित सांसदों के प्रति योगी आदित्यनाथ का रवैया काफी गलत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित मतदाता किंग मेकर की भूमिका में है। सूबे का 21% दलित मतदाता प्रदेश से लेकर देश की सत्ता का फैसला करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दलित मतों में सेंधमारी करके ही देश और प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी। बीजेपी का दलित समीकरण सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से 17 दलित सीटें समाज के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 17 आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कामयाब रही। सूबे की 403 विधानसभा सीटों में से 86 सीटें आरक्षित हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 86 आरक्षित सीटों में से 76 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपे जाने के बाद से ही यूपी के दलित बीजेपी वोटर हवा चल रहे हैं और उनका नाराज होना बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जो बीजेपी कतई नहीं चाहती। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ऐन वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। भाजपा की यूपी में बुरी हालत है। दलित से लेकर पिछले सांसद भी यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कमान किसी और के हाथों में दी जाए और केशव प्रसाद मौर्य से बेहतर बीजेपी के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम पद का चेहरा बनाए जा सकते हैं? भाई, बिना किसी अग्रिम सूचना के आनन फानन में केशव प्रसाद मौर्य का अचानक दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात होना बहुत कुछ बयां कर रहा है। बहरहाल आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ पारदर्शी होता जाएगा और बीजेपी की रणनीति साफ होती दिखने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत टीवी।